हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा तवर और आपका नेहा तवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बुकरम से एक बहुत ही खूबसूरत नेक। तो उसके लिए मैंने बुकरम ले ली है और जो नेक की चौड़ाई जो रहेगी वो यहाँ पे 2.5 इंच रहेगी। आप 3 भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं 2.5 इंच ही लूँगी चौड़ाई। और जो लेंथ है इसके गले की वो 7 इंच रहेगी। इस तरीके से नीचे से आप 3 इंच ले सकते हैं, ऊपर से 2.5, थोड़ी सी अच्छी शेप आ जाती है। और नीचे से यहाँ पे मैं फिर से 6 इंच पे या 7 इंच पे आप निशान लगा लें। अगर 6 छोटा पड़ रहा है तो आप 7 इंच ले लें नीचे से, और इसकी चौड़ाई 1 इंच रहेगी। और इस तरीके से 1-1 इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इस डिज़ाइन पे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से आप जब नेक कट करते हैं तो इसमें अंदर आप कोई भी डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। यहाँ आज जो डिज़ाइन मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आप दो तरह का फैब्रिक जब आपका होता है सूट का अलग और जो आपकी सलवार या प्लाजो है उसका अलग, तो उस पे ये डिज़ाइन आपका चलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कवर कर लेंगे इसको, फैब्रिक को, सॉरी जो बुकरम है उसको कवर कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो जहाँ पे आपका थोड़ा सा डिज़ाइन घुमाव में होता है वहाँ पे छोटे कट लगाकर आप जो है शेप दे सकते हैं। अगर ये अंदर की साइड मुड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं इसको उल्टी साइड लगाकर और बाहर की साइड पलटूंगी गले को। आपने थंबनेल में देखा भी होगा, तो जब बाहर की तरफ पलटते हैं तो फिनिशिंग चाहिए होती है हमें उल्टी साइड में। तो उस फिनिशिंग को लाने के लिए आप, अगर आपके डिज़ाइन में कोई घुमाव है तो वहाँ पे छोटे छोटे कट देकर आप जो है अपने गले को फिनिशिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा जो है जो नेक हमने कट किया था उस पर मैंने फैब्रिक लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर दूंगी इस तरीके से। तो आप देखेंगे बहुत फिनिशिंग के साथ जो है, अगर इसको मैं पलटूँ तो बहुत फिनिशिंग के साथ ही लग गया है। अब आपको जो है सूट लेना है उल्टी साइड से और इसको प्लेस कर देना है गले को इस तरीके से। उल्टी, ध्यान रहे उल्टी साइड आपको रखना है, क्योंकि सीधी साइड हम इसको पलटेंगे और बिल्कुल ही पास पास आपको सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर आपको नहीं चलानी सिलाई, इस तरीके से सिलाई चलाते जाएंगे। जितनी सफाई से आप सिलाई चलाएंगे आपका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैं इसको कट कर दूंगी, जो बीच का जो फैब्रिक है इसको, ध्यान रहे आधा आधा इंच छोड़ते हुए आपको कट करना है। ये तो हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं जब आपको बताया ही है मैंने। अब देखिए जहाँ पे घुमाव है वहाँ पे कट लगा देंगे कॉर्नर्स पे, और जहाँ पे कर्व है वहाँ पे भी। तो मैंने सारे में छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब मैं इसको पलट दूँगी तो ये पलटा जाएगा सीधी तरफ। आप देख रहे होंगे सीधी तरफ पलटा जा रहा है, और इसको नाखून की हेल्प से आप अच्छे से इसको सेट कर दें, और किसी नुकीली चीज़ से आप जो है इसके कॉर्नर्स को निकाल लें। इसके बाद एक टॉप स्टिच मैंने इस पे लगा लिया है ताकि फिनिशिंग बनी रहे। अब मैं समोसा लेस लूँगी, या और कोई लेस आपके पास है तो वो भी ले सकते हैं। आप पाइपिंग भी लगा सकते हैं इस तरीके से, तो आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं समोसा लेस लगा रही हूँ। आपने कई बार देखा होगा कुर्तियों में ऐसे नेक बने भी आते हैं। तो देखिए इस तरीके से उल्टी तरफ से लगा के डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। सीधी तरफ आप पलट के कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं जो है ये समोसा लेस चारों तरफ लगा लूँगी, और बड़ी ही आसानी से लग गई। देखिए अब जो है ये जो नीचे का डिज़ाइन है इसमें फिल करने के लिए एक फैब्रिक चाहिए। आप इसमें हार्ड बनाना चाहती हैं तो इसमें पेस्टिंग या बुकरम लगा सकते हैं। और मैंने जो है 2 इंच चौड़ी एक पट्टी तैयार की है, एक येलो कलर की और एक जो मेरी सलवार का कपड़ा था उसमें से। अब मैं मार्क कर लूँगी कि मेरा जो यहाँ पे डिज़ाइन आएगा वो कितने हिस्से में आएगा। तो चौक से मैंने मार्क कर लिया है, और ये पट्टी मैंने बना ली है येलो और
जो ये आप कलर देख रहे हैं ब्लू कलर, तो इस तरीके से आपको प्लेस करते जाना है। क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था तो मैं यहाँ पे चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ लेके आऊँगी और मैं एक बार सेंटर भी देख लूँगी ताकि जो क्रॉस आए वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो अब मैं इसको प्लेस करके देख लूँगी। तो आप ये स्पेस कम भी रख सकते हैं, मेरे पास फैब्रिक कम था इसलिए यहाँ पे मैंने स्पेस को ज़्यादा रखा, लेकिन स्पेस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब वो दिखता है तो एक प्रॉपर जिगजैग बन के आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे साथ साथ मार्क भी कर रही हूँ ऊपर, आप देख सकते हैं चौक से, ताकि जो है मेरा क्रॉस एकदम प्रॉपर आए। इस तरीके से आपको सेट करके फिर बाद में चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेनी है जब आपका सेट हो जाए सारी पट्टियाँ। इसमें आप और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है क्रॉस वाला, आप कोई बो बना सकते हैं, आप और भी कोई डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हैं इसमें। तो ये देखिए मैंने बना लिया है यहाँ पर और बिल्कुल प्रॉपर मेरा जिगजैग आया है। अब मैंने इसमें सिलाई लगा ली चारों तरफ, अब इसको डिज़ाइन के ऊपर प्लेस करना है। तो नेक को इस तरीके से इस डिज़ाइन पे प्लेस करेंगे बिल्कुल अच्छे से और पिनअप कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई आप चलाएंगे तो आपका जो नेक है वो बनके रेडी हो जाएगा। बहुत आसान है, दिखने में लगता है मुश्किल है, अगर आप बिगनर्स हैं तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत आसानी से सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। और नए नए डिज़ाइंस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें आपको वीडियो कैसी लगी, आप कौन सी वीडियो पे आगे जो है कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगने के बाद यहाँ आपको इस सूट में जो है सूट के ऊपर भी निशान लगाना है ताकि सेंटर मैच हो सके। तो ये देखिए बिल्कुल आसानी से इतना सुंदर डिज़ाइन हमने रेडी कर लिया है, आप इसको बैक में फ्रंट में कहीं भी कुर्ती पे बना सकते हैं। तो ऐसे ही डिज़ाइंस के साथ फिर हाजिर होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और भी वीडियोस हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, शॉर्ट्स वीडियो भी डालते हैं जिसमें छोटे छोटे टिप्स होते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।